हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट मैराथन। ये मैराथन आता है आपके लिए हर शनिवार और रविवार। सप्ताह में 2 दिन आपको ये जो मैराथन है वो मिलता है हमारे लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जिनका पहला अटेम्प्ट है, जो लोग देने वाले हैं 2020 और 2021 में, उनके लिए सेशन वरदान है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं सीधे तरीके से, या फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं निकल करके सीधा सीधा। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे। सुजीत, तनसीमा, अभिषेक, केशव, अंकित, हर्ष, रोमा, योगिता, नीलाक्षी, सुमन, लिपिका, मधु, आकाश, सभी का स्वागत है, सभी को वेलकम। आशीष चौधरी, ठीक है। हेलो विनोद, लावी, बहुत अच्छे, सभी लोग आ गए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है वो है एड सुमंत, और फेसबुक पेज भी यही है, मेरा ईमेल आईडी ये है। यहाँ पर आपको जो रोज़ सुबह हम देते हैं आपको टारगेट, आपको डेली टारगेट मिलता है, जहाँ पर आपको पूरे दिन में क्या करना है हम यहाँ पर ये बताते हैं आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। ठीक है ना, हमने लॉन्च किया है आपके लिए कोर्स करंट अफेयर का। यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स का और मेंस का जो पूरा सिलेबस है करंट अफेयर का, वो लोग हम लोग कंप्लीट करते हैं इंटीग्रेटेड तरीके से। मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम लोग यहाँ पर साथ में करते हैं करंट अफेयर का। आपका कोई इशू है, न्यूज़ है, उससे सवाल कैसे बन सकता है, प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकते हैं सवाल, कैसे क्वेश्चंस मेंस में आ सकते हैं, और उनको कैसे आंसर करें, मेन तो आंसर करना ही है ना, तो वो हम सिखाते हैं आपको। आपके जो आंसर राइटिंग स्किल है, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो हम डेवलप करते हैं साथ साथ इसमें। ये एक कंप्लीट कोर्स है उनके लिए जो देने वाले हैं एग्जाम 2020 में और 2021 में। ठीक है ना, तो इनको आप इनरोल कर लीजिएगा, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो। अगर नहीं किया हुआ आपने ज्वाइन अकेडमी, ज्वाइन कर सकते हैं SNLive, जो आपका रेफरल कोड है उसे यूज़ करके। फ़ायदा पहला ये होगा कि आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी पूरी तैयारी मेरे गाइडेंस में होगी, मेरे मार्क्स आपने देखे हैं, आपको उससे अच्छे मार्क्स लाने हैं यहाँ पर, ये हम पूरी कोशिश करेंगे और ला करके रहेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो ग्रुप है ये आप ज्वाइन करेंगे, सबसे बड़ी फ़ायदा आपको ये होगा। यहाँ पर आपको जो मोटिवेशन है वो मिलेगा, आप अपने दोस्तों से जो है ना कंपीट वो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। करंट अफेयर के अलावा आप देख पाएंगे मेरे कोर्सेज एंशंट इंडिया के, जो आर्ट एंड कल्चर हैं उनके, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी के भी। सबसे बेस्ट हमने आपके लिए डिलीवर किया है साइंस एंड टेक का जो कोर्स है पूरा, ये आप देख पाएंगे अगर आप SNLive कोड यूज करके जुड़ते हैं तो। यहाँ पर आप लाइव क्लास देख पाएंगे, उसको डाउनलोड कर पाएंगे, उसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज शाम को 7 बजे से 7:30 पर आज शाम को आपकी लाइव क्लास होगी अन अकेडमी पर। यहाँ पर जो स्पेशल क्लास होगी यहाँ पर हम लेंगे आपको, और ढेर सारे जो MCQs है ना स्टैटिक पोर्शन के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आना ना भूलिएगा, अन अकेडमी का ऐप आज शाम को 7:30 बजे स्पेशल क्लास। क्लियर है? चलिए, आप फी पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी, क्रेडिट कार्ड है तब भी, अगर नहीं है केवल डेबिट कार्ड ATM कार्ड है तब भी आप ले सकते हैं किस्तों में, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। सिर्फ SNLive कूपन कोड यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको जो डिस्काउंट है मिल जाएगा, आप अपने कॉइन्स भी यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं, आपका फी और भी कम हो जाएगा इन कॉइन्स को। आज आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत का 3 चैप्टर और स्पेक्ट्रम का 2 चैप्टर, दोनों को आपको रिवाइज करना है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। इसका आंसर क्या है? जो सवाल है, इनमें से कौन सा प्रोसेस कैन बी बेस्ट एसोसिएटेड विथ डायस्ट्रोफिज्म? ये जो टर्म है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के सतह पर कोई भी प्रक्रिया हो जिससे पृथ्वी में टूट फूट हो, पृथ्वी का जो सतह है उसमें फोल्डिंग हो, फॉल्टिंग हो, उसको हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म। क्लियर है? क्या आंसर है इसका, जल्दी से बताना। 1, 2, 3 में आपका कौन सा यहां पर सही जवाब है? चारों में आपका कौन सा सही जवाब है? फटाफट आंसर दीजिए।
ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, ठीक है। अरे वाह, हाँ। तो देखो यहाँ पे, ये जो है ये जनरल टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि आपके सरफेस का बेंडिंग हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है, वार्पिंग हो रहा है और फ्रैक्चरिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो माउंटेन बिल्डिंग है वो रहा होगा, वो आपका जो पर्वत है ना, पर्वत का निर्माण हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। क्या है सर? हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है जो कि सतह का, देखो ये सतह था, सतह में इसको इधर से दबाया, इधर से दबाया, क्या हुआ, इधर इधर ऐसे उठ गया और आपका हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय के रेंजेस का निर्माण हुआ, समझ गए? तो यहां पर जो पृथ्वी का सतह, इसको जो मूव करे, इसको उठा दे, तोड़ दे, ये सारा जो आपका प्रोसेस है वो कहलाता है डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है दोस्तों, यहां पर माउंटेन बिल्डिंग होती है, आपका जो सतह का अपलिफ्टिंग होता है, डाउन वार्पिंग होता है, यहां पर भूकंप आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। सिंपल सा सवाल था दिया गया आपकी जो 11th के एनसीईआरटी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उससे। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये इस आपको जो एनसीईआरटी है उससे दिया गया है। क्या आंसर हो गया आपका? 1, 2, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए अगला मेरा सवाल है थर्मोक्लाइन के बारे में। बिल्कुल देखो, फोल्डिंग होती है, ध्यान सुनना, फोल्डिंग में केवल कंप्रेशन होता है, फोल्डिंग में केवल कंप्रेशन होता है, मगर फॉल्टिंग हो सकता है आपके कंप्रेशन से भी और टेंशन से भी, समझ गए? फॉल्टिंग आपका हो सकता है कंप्रेशन से भी और टेंशन से भी, समझ गए ना? ठीक है, अरे वाह, बहुत ही अच्छे। क्या आंसर है इसका? आकाश ठाकुर, बहुत अच्छा, बढ़िया। क्या आंसर है इसका, जल्दी बताइएगा। आपका जो थर्मोक्लाइन है, इसके बारे में सवाल है, इट इज द बाउंड्री रीजन बिलो सी लेवल जहां पर टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है गहराई के साथ। क्या थर्मोक्लाइन के नीचे टेम्परेचर, जो तापमान है, वो एक समान डिक्रीज होता है? मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि नहीं, एक समान डिक्रीज नहीं होता। अगर एक समान डिक्रीज हो रहा होता तो आपका जो ग्राफ है वो लीनियर बनता, ना कि कर्व। आपको मैंने बताया था कि जो ओशियन वाटर में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, अबाउट 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन। क्या बात सही है? एक तो आपको मैंने बता ही दिया, आपको मैंने एक बता दिया, दूसरा बताना है क्या आंसर है इसका। हाँ, कल ही मैंने बताया है इसको, है ना? ठीक है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप जब देखेंगे ना, मैंने आपको कल, मैंने एक मैप भी दिखाया था, याद है? देखो दोबारा दिखाता हूं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन, सर्च भी होकर के आ गया यहां पे। देखो ध्यान से, यही वाला था ना मैप, देखो बस हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका जो ये है ना, ये आपका थर्मोक्लाइन है। क्या है सर? थर्मोक्लाइन है। थर्मोक्लाइन के ऊपर,
थर्मोक्लाइन क्लाइन के नीचे आएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है, ठीक है। मगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होता, अगर यूनिफॉर्म होता, ठीक है, रुक जाओ सर, थोड़ा छोटा कर दिया जाए, सर जी छोटे हो जाइए, बस ठीक है। देखो ध्यान से, अगर आपका यूनिफॉर्म होता, अगर यूनिफॉर्म होता तो लाइन स्ट्रेट होती, स्ट्रेट मतलब कि सीधा होता, समझ गए, ना कि कर्व, समझ गए, कोई दिक्कत है यहां पर? अगर अगर आपका यूनिफॉर्म होता ना तो ये लाइन एकदम सीधा होता, ना कि कर्व। ये देखने में सीधा लग रहा है नहीं, ये एक्चुअली कर्व है, समझ गए, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि करीब 90% जो आपका वॉल्यूम है वो थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है, तो आपका यहां पर दूसरा सही है, पहला गलत हो गया। क्या आंसर आ गया जी? बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो इतनी देर में हमने आपका जो दो टॉपिक है वो निपटा दिया। पहला टॉपिक आपका था डायस्ट्रोफिज्म का, क्या आप इसको अब भूलेंगे, क्या आप इसको भूल पाएंगे अब डायस्ट्रोफिज्म का? दूसरा टॉपिक मैंने आपका निपटा दिया थर्मोक्लाइन का और ओशियन में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, खुश हो गए, ठीक है, बढ़िया। अगला आपका सवाल है चांगथांग प्लेटू के बारे में। ये जो देखो ध्यान से एक बात सुन लो, पठार क्या होता है, पठार में एक जो साइड है वो काफी तीखी होती है, एक साइड, कम से कम एक साइड काफी तीखी होती है। तीखा क्या, खाने में नहीं, इसका चढ़ाई काफी कठिन होता है। देखो यहां पर मान लो कि ये जमीन है, ठीक है ना, यहां पर से आपका उठना शुरू हुआ, ये आपका पठार है जो बन गया, ठीक है ना, ये आपका मैदान है, ये आपका पठार है। पठार में ये जो ढलान देख रहे हैं ना, ये ढलान धीमा है, ये ढलान धीमा ढलान है, मगर यहां पर आपका बहुत ही खड़ा ढलान होगा। क्या होगा, ये जो आपका ढलान है ना काफी तीखा है, ये आपका स्लोप तीखा है, तो ये होता है पठार, समझ गए, है ना बात, बहुत अच्छे शिवानी कनौजिया जी, शार्प वन साइड, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। पठार क्या होता है, पठार एक्चुअली सरफेस ही होता है, बस वो अपने आसपास के जगह से थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा होता है। चांगथांग प्लेटू जहां पर चांगपा नोमाड रहते हैं, नोमाड मतलब होते हैं घुमंतु, चांगपा लोग जहां पर रहते हैं वो कहाँ है, क्या सिक्किम में है, अरुणाचल में है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर, यहां पर अच्छा होता अगर मैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख लिख दिया होता, अब बताना, ठीक है ना। अच्छा अगर मैंने लद्दाख नहीं भी लिखा होता तब भी आपको डी ही मारना था, क्योंकि आप आराम से बाकी जो है उसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, आप सिक्किम को, अरुणाचल को, हिमाचल को आराम से कर सकते हैं एलिमिनेट, और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका डी ही होता, एक्चुअली ये लद्दाख है जो सही है, समझ गए, मतलब प्रिसाइजली कहें तो ये लद्दाख है, 370 पहले जैसे कि है ना, उसके पहले तो लद्दाख ही था, तो ये जो पठार है वो लद्दाख है जहां पर चांगपा लोग रहते हैं, क्लियर है। ये लोग जो चांगथांगी है, चांगथांगी क्या होता है सर, पश्मीना ऊन, देखे हो, सुने हो कभी पश्मीना ऊन, पश्मीना जिन बकरियों से मिलता है उन बकरी को ये लोग पालते हैं, क्या करते हैं सर, इन बकरी को ये लोग पालते हैं, क्लियर है। तो कहां मिलता है, ये लद्दाख में मिलता है। लद्दाख पर सवाल क्यों दिया सर, लद्दाख पर सवाल क्यों दिया सर, आपको पता है कि अभी चाइना जो है वो कौन सा एरिया है जी, लद्दाख का ये वाला कौन सा एरिया है जिसको क्लेम कर रहा है अभी, देखो
आज ही न्यूज़ में आया है कि पूरे के पूरे जो लद्दाख है वो क्लेम कर रहा है वो गालवान। जो चाइना है, चाइना अब पूरे के पूरे गालवान एरिया को ही क्लेम कर रहा है कि ये हमारा है। तो इतना पहले क्लेम नहीं करता था, इससे कम एरिया पहले क्लेम करता था। अब इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको उसके तहत ये काम करता है। अच्छा ये बताओ, मान लो कि तुमको चाहिए 10 रुपए, तुमको जरूरत है 10 रुपए, पापा से क्या तुम 10 रुपए मांगोगे? नहीं, तुम मांगते हो 20 रुपए। पापा से अगर तुम 20 रुपए मांगोगे, पापा क्या बोलेंगे? नहीं नहीं 20 नहीं, 10 10 ही ले लो। पापा ने आपको 10 दे दिया, आपको चाहिए 10 ही था, है ना? तो यहाँ पर यही बात हो रही है। अगर हम ज़्यादा पर क्लेम करेंगे तो थोड़ा तो हथिया ही लेंगे। ऐसे ही अगर हम 2 कदम बढ़ करके 1 कदम पीछे खींच लिया तो इसको वापस लौटना थोड़े बोलते हैं। अगर मैं 2 कदम बढ़ करके, अगर मैं 2 कदम बढ़ करके 1 कदम पीछे खींचता हूँ तो मैं पीछे हट रहा हूँ कि 1 कदम आगे आ रहा हूँ? मैं 1 कदम कब जा रहा हूं ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए, ये जो चांगथांग प्लेटू है, ये जो हमारे पश्मीना बकरियां हैं, ये न्यूज में थी एक और कारण से, यहां पर पश्मीना प्लेटू के बारे में एक जो आर्टिकल आया था द हिंदू में, उस कारण से भी। अगला सवाल आपका है डेड जोन के बारे में, अगला सवाल आपका है डेड जोन के बारे में। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, डेड जोन इज अ कॉमन टर्म फॉर हाइपोक्सिया, जहां पर जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है वो काफी कम हो जाता है वाटर में। चलो सवाल देखो, विथ रेफरेंस टू डेड जोन आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला, लेस ऑक्सीजन डिजोल्ड तब कहते हैं उसको डेड जोन। अगर वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम डिजोल्व हो, क्या तब कहते हैं उसको डेड जोन? दूसरा, क्या ऐसे जोन प्राकृतिकली मतलब बनते हैं, नेचुरली बनते हैं क्या ऐसे जोन? डेड जोन के बारे में कौन सी बात बताइए सही है 1 और 2 में से? क्लियर है? ठीक है सर, मैं भी 20 नीड होती है तो 30 मांगती है। देख लो हमारे सब दोस्त कितने शातिर हैं। कितना ही मांगो पहले पिटते हैं। ठीक है, बढ़िया। गैलवन वैली, बढ़िया। हाँ ठीक है, बताइए जल्दी से, डेड जोन के बारे में कौन सी बातें यहां पर सही हैं? यहां पर दोनों बातें करेक्ट हैं। देखो, पहला तो मैंने बता ही दिया आपको कि डेड जोन वो इलाका होता है, जल में वो इलाका होता है जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ही कम होती है वाटर में। अगर पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट घट जाए तो क्या मछली सांस ले पाएगा? सांस नहीं ले पाएगा, ये मर जाएगा। मछली मर गया, अब मछली को डिकम्पोज करने के लिए आपके अलग अलग जीवाणु आएंगे, फंगस वगैरह सब आएंगे। जो आपके डिकम्पोजर्स हैं, कौन है सर? आपके जो डिकम्पोजर्स हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? डिकम्पोज डिकम्पोज करने के लिए। क्लियर है? अब ऑक्सीजन पहले से ही कम था, ऑक्सीजन पहले से ही कम था, डिकम्पोजर्स ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल और कर लिया, ये ऑक्सीजन और कम हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे धीरे धीरे जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो उसको हम कहते हैं क्या? डेड जोन। पहला आपका सही है, ये डेड जोन प्राकृतिकली भी बनता है और इंसान की करतूतों से भी बनता है।
क्लियर है, ठीक है ना। तो आपका यहां पर दोनों बातें जो है वो सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। जो ये जो एरिया है ना, इनको हम लोग हाइपोक्सिक जोन भी कहते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, डेड जोन को हम लोग हाइपोक्सिया भी कहते हैं, हाइपोक्सिक जोन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये बातें हैं आपके, ये आपका द हिंदू में एक आया था न्यूज, डेड जोन इज एन एरिया वेयर लो ऑक्सीजन कंटेंट एंड नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन दिस एरिया। ये हो सकता है एल्गल ब्लूम से, किससे हो सकता है सर, एल्गल ब्लूम से हो सकता है। एल्गी जब अपना जनसंख्या बहुत तेजी से विस्तार करती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है, अरे खेती से खाद बह करके आ गया, धुल करके तालाब में चला गया तो न्यूट्रिएंट मिला, एल्गी को मिल गया न्यूट्रिएंट। ये जो न्यूट्रिएंट है इसको खा करके एल्गी तंदुरुस्त हो गया, पौष्टिक एकदम आहार मिल गया, इसको फैलना शुरू कर दिया, एल्गी ब्लूम करना शुरू किया। जब ये एल्गी मरेगा तो इसको डिकम्पोज करने आएगा, डिकम्पोजर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम हो जाएगी। जो एल्गल ब्लूम है वो मैक्सिको के खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, इसी कारण से हमें लग रहा है कि वहाँ पर डेड जोन बनेगा, इसीलिए सवाल आपको दिया गया है, क्लियर है। अगला सवाल आपका है आपका जो इतिहास है उससे, ये सिस्टम जो था दाग का और हुलिया का, ये कौन से सुल्तान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जो दाग का सिस्टम है, जो सिस्टम है दाग का, वो किसके द्वारा किया गया था, बताना जरा जल्दी से इंट्रोड्यूस। कौन से सुल्तान ने दाग का सिस्टम और हुलिया का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। क्या आंसर है इसका, रुक जा एक बार देखने दो, मुझे कंफर्म करने दो, थोड़ा मुझे डाउट है यहां पे। सिस्टम ऑफ दाग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था दाग का सिस्टम, मतलब कि जो घोड़े होते थे ना उसकी ब्रांडिंग करी जाती थी और जो सैनिक होते थे उनका हुलिया ये लोग रख लेते थे, उनका हुलिया ये लोग नोट करते थे, क्लियर है। दिस प्रैक्टिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड विथ अ व्यू टू इंश्योर दैट ओनली दो सोल्जर्स एंड हॉर्सेज वेयर मेंटेन विच हैड बीन अप्रूव्ड बाय द किंग, केवल वही सैनिक और घोड़े रहेंगे जिसको राजा के द्वारा, सुल्तान के द्वारा अप्रूव किया गया है, और जो सैनिक हैं उनकी जगह पर कोई और ना आ जाए, इसीलिए यह सिस्टम पूरा मेंटेन किया गया था। तो क्या आंसर है जी, आंसर आपका हो गया यहां पे बी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका सही जवाब है, यहां पर बी है जो आपका सही जवाब है, ठीक है, इसको ठीक करना बी। अगला सवाल है, अलाई दरवाजा और श्री फोर्ट, अलाई दरवाजा और जो श्री फोर्ट बनाया गया था कौन से सुल्तान के काल में। आपका जो अलाई दरवाजा है और जो श्री फोर्ट है बनाया गया था कौन से सुल्तान के काल में, क्लियर सही है। अलाई दरवाजा और श्री फोर्ट बनाया गया था कौन से सुल्तान के काल में, बताना जल्दी से, ठीक है। अलाई दरवाजा और श्री फोर्ट बनाया गया था किसके काल में, सिंपल सा सवाल है, चलो इसको भी हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर है इसका। अलाई दरवाजा और जो श्री फोर्ट है कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग किनके काल में कंस्ट्रक्ट किया गया था, बस बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 1331 एंड मेड ऑफ सैंडस्टोन, इट इज अ स्क्वायर डोम गेस्ट हाउस विथ बिल्ड आर्चेज। जो अलाई दरवाजा था, जो आपका अलाई दरवाजा है ना, ये बना किसके द्वारा बनाया गया था, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1331 में।
ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है अलाई दरवाजा, दिख रहा है आपको, ये है आपका अलाई दरवाजा, समझ गए? ठीक है ना, ये अलाई दरवाजा है, बनाया था किन्होंने, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1331 में। ये बना हुआ है लाल चूना पत्थर का। क्या बना हुआ है सर? ये बना हुआ है लाल चूना पत्थर का। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। ये पहला भारतीय मॉन्यूमेंट है जो बना था इस्लामिक मेथड को इस्तेमाल करके। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या है सर? ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, समझ गए बातें? ठीक है ना, तो यहां पर आपको महत्व दिख रहा है इनका, क्लियर है? मजा आया? तो बाकी बातें देख लेते हैं। यहां पे ये बनाया गया था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, खिलजी वंश 1331 में। बढ़िया, कुवत उल इस्लाम मॉस्क फोर साइड ई प्लान टू कंस्ट्रक्ट फोर गेट इज ओनली। अच्छा, उसने सोचा था ना कि हम चार गेट बनाएंगे, मगर केवल अलाई वाला गेट ही बन पाया और वो मर गया। 1336 में उसकी मौत हुई, 1331 में उसने इसको बनवाया था, समझ गए? ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1993 में, क्लियर है? तो ये बातें हो गई। तो इसके बारे में कुछ बातें नोट कर लेना आप। क्या नोट करेंगे सर? नोट करेंगे बातें ये। पहला, 1311 रेड सैंडस्टोन। बार बार क्यों बोल रहे हैं सर? ताकि तुमको याद हो जाए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपका सही जवाब है, ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, बताता हूं। काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि मेरा लेक्चर कितने बजे बजे होता है। ध्यान सुनना, रोज सुबह 5 बजे आपके लिए आता है डेली टारगेट। क्या आता है? डेली टारगेट। फिर आपका आता है 7 बजे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट 7 बजे आपका आता है मॉक टेस्ट। फिर रात को 9 बजे, नहीं नहीं 1 बजे आता है दोपहर में करेंट अफेयर MCQs। रात को 9 बजे आता है मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग मतलब कि आंसर राइटिंग तो एक बहाना है, यहां पर हम लोग मेंस के जो GS पेपर हैं 1 से 4 तक, इथिक्स भी हम लोग कवर करते हैं यहां पर। ये मेरे 4 क्लासेस बस होती हैं रोज, केवल आधे आधे घंटे का। ये जो 5 बजे क्लास है ना, ये आपका होता है 5 मिनट का। 5 बजे क्लास आपकी होती है 5 मिनट की, तैयार हो जाएगा, समझ गए? सर, क्लास का लिंक कहां मिलेगा? क्लास का लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का ऐप ओपन करना, वहां पर ऐड सुमंत सर्च करना, वहां पर आप ऐड सुमंत सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? देखो ध्यान से, ये जो आपका है ना, ये आपका यहां पर मिल जाएगा। देखो, डेली ऐड सुमंत यहां पर सर्च कीजिएगा, ADSUMANT। यहां पर आपको मेरी सारी क्लास, देखो ये आज सुबह की क्लास है 5 बजे वाली, ये क्लास 5 बजे वाली है, और ये हमारी क्लास मैराथन के 12 बजे वाली। ये बस 2 दिन होती है, सैटरडे संडे को। ये आपको मिलता है रोज सुबह 5 बजे कि आपने यहां पर क्या क्या पढ़ना है रोज, ठीक है? चलिए, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट, जिसको भी लेना हो। अगला आपका सवाल है कि 1887 का जो इंडो श्रीलंका एकॉर्ड है उसके बारे में, आपका जो इंडो श्रीलंका एकॉर्ड है उसके बारे में जो साइन किया गया था भारत और श्रीलंका, ऑब्वियस है इंडो श्रीलंका एकॉर्ड तो दोनों ही होंगे, इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे श्रीलंका के, ये आपका बताना है। शिवांगी सेंगर, वेलकम शिवांगी, डेली क्लास किया कीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जी, आपका कोई भी मेरा वीडियो नहीं छूटेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे सारे वीडियोस और सबका PDF आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है?
बढ़िया। कौन थे इस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति, आपको यहां पर बताना है। ये थे जे एल जयवर्धने, जे एल जयवर्धने। महिला जयवर्धने क्रिकेटर भी थे, वो नहीं, ये महिला जयवर्धने अलग हैं, जे एल जयवर्धने अलग हैं। महिला जयवर्धने जो थे ना, वो क्रिकेटर थे, श्रीलंका टीम के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, मतलब थे, मतलब रिटायर हो गए हैं, अभी जिंदा हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल आपका है संवाद कौमुदी के बारे में। संवाद कौमुदी के बारे में सवाल है, क्या इसको शुरू किया गया था राजा राममोहन राय जी के द्वारा। दूसरा, क्या ये पहला भारतीय अखबार था जिसको एक भारतीय ने एडिट किया, पब्लिश किया और मैनेज किया। वन टू में से कौन सी बातें बताना है कि सही है, वन टू में से कौन सी बात बताना है कि सही है, जल्द से बताइएगा। ठीक है, ठीक ना। वन टू में से कौन सी बातें बताना है कि आपकी सही हैं। ठीक है, संवाद कौमुदी ये पब्लिश किया गया था पहली बार 1821 में। क्या है सर? पहली बार निकाला गया था इसको 1821 में। कब सर? 1821 में। समझ गए? किनके द्वारा? जो राजा राममोहन राय जी हैं उनके द्वारा, राजा राममोहन राय जी हैं उनके द्वारा। पहला आपका सही है। ये भारत का पहला अखबार था जिसको एक भारतीय एडिट किए थे, पब्लिश किए थे, मैनेज किए थे। आपका सेकंड सही है। क्या आंसर हो गया? सी, बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। वैसे पहला अखबार कौन सा था? पहला अखबार कौन सा था? वो अखबार था जेम्स अगस्टस हिकी का। जेम्स अगस्टस हिकी का अखबार था ये पहला। अरे वाह राहुल पासवान, बहुत अच्छे। और बंगाल गजट, बंगाल गजट, बंगाल गजट जो था ना, वो भारत का पहला अखबार। ये आयरिश थे, ये भारतीय नहीं थे, इसीलिए कहा गया कि भारतीय वाला कौन था, भारतीय वाला संवाद कौमुदी था। चलो क्लियर है, बढ़िया। ये जो अखबार था इसमें राजा राममोहन राय जी ने लिखना शुरू किया जो प्रेस का फ्रीडम है उसके बारे में, जो भारतीय हैं इनको उच्च सेवाओं में नियुक्त करने के लिए और एग्जीक्यूटिव में से जुडिशरी को सेपरेट करने के लिए। अगला सवाल है निजाम उल मुल्क के बारे में। अगला सवाल आपका है निजाम उल मुल्क के बारे में। क्या उन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी 1724 में? क्या निजाम उल मुल्क ने ही हैदराबाद की स्थापना करी थी 1724 में? बताइएगा कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका सही है, ध्यान से आपको बताना है। दूसरा, क्या उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सैयद ब्रदर के जो आपका हत्या है उसका जो तख्ता पलट है उसमें? क्या आंसर है जी? आसान सा सवाल है वाला, है ना, फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। मैंने सवाल दिया था आपको आपका जो प्लस टू पार्टीशन है ना उससे, देखो ये वाली किताब, ये आपका है प्लासी टू पार्टीशन, ये जो किताब है ना, तो इससे मैंने सवाल दिया है आपको। और यहां पर काफी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको केवल दो ही किताब बताई है, एक किताब तो आपका हो गया स्पेक्ट्रम, एक किताब आपका हो गया स्पेक्ट्रम, एक हो गया आपका प्लासी टू पार्टीशन। बस यही दो किताब पढ़नी है। ये किताब पढ़नी है आपको मेनली मेंस के लिए, ये पढ़ना है आपको मेनली मेंस के लिए। बिल्कुल सेल्फ से आराम से क्लियर होगा बस, और क्या सेल्फ से क्लियर। अरे मैंने आपके लिए जो डेली टारगेट दिया है किस लिए दिया है? जो आपका डेली टारगेट है ना इसीलिए दिया है। पढ़ना तो पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहां पर पहला सही है, निजाम उल्क मुल्क ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सैयद ब्रदर का जो ओवर थ्रो है उसमें, इसी महत्वपूर्ण रोल के लिए
निजाम उल मुल्क की इसी सेवा के लिए इनको दक्कन का गवर्नर बना करके भेजा था। समझ गए? अब इनको दक्कन का गवर्नर बना दिया, वहां जाकर के इन्होंने अपना हैदराबाद राज्य ही स्थापित कर लिया। समझ गए? अगला सवाल आपका है, इनमें से कौन सा मुद्रा है, ठीक है, इनमें से कौन सा मुद्रा है जो बुद्ध शाक्य मुनि का और ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि का प्रॉपर्टी है? वितारक मुद्रा, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, शर्म मुद्रा। अच्छा, मैंने अभी परसों डिस्कस किया था गांधार कला के बारे में, जो गांधार कला है ना, उनके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था, परसों डिस्कस किया था एक्चुअली, याद है? गांधार कला में मैंने बताया था कि जो बुद्ध का जो पोज है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था, भले ही बुद्ध बैठे हो, भले ही बुद्ध खड़े हो, उनका यही वाला पोज हुआ करता था। ये आपका है अभय मुद्रा। समझ गए? ये आपका है अभय मुद्रा, बिल्कुल सही है। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब है आपका, सी सही आंसर है, अभय मुद्रा। ये दोनों शाक्य मुनि का और अमोघ सिद्धि का, दोनों का मुद्रा अभय मुद्रा ही है। बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल आपका है, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो डोंगयांग लेक है इसको हम डेवलप करेंगे इको टूरिज्म स्पॉट की तरह। किसकी तरह? इको टूरिज्म स्पॉट की तरह। आपको बताना है इस झील के बारे में, क्या यह झील मणिपुर में है, क्या यह झील मणिपुर में है, क्या यह एक ब्रीडिंग साइट है अमूल फाल्कन के लिए, क्या यह अमूल फाल्कन का ब्रीडिंग साइट है, बताना है आपको ध्यान से। सर जी बुक का नाम बता दो प्लीज। बुक का नाम है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी से विभाजन तक, ये वाली, प्लासी से विभाजन तक नाम की किताब है ये वाली। इसमें आपको मेनली पढ़ना है आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, वो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, मेनी वॉइसेस ऑफ अ नेशन, सबसे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये स्पेक्ट्रम में नहीं है, स्पेक्ट्रम में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपको ये वाला पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली इसमें है क्या कि जो आपका अलग अलग हमारी जनसंख्या का सेक्शन है, फॉर एग्जांपल महिलाओं का क्या योगदान है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका क्या योगदान है, जो बिजनेस क्लास हैं, वर्किंग क्लास हैं, दलित हैं, उनका क्या योगदान था हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। इस पर सवाल आता है मेंस में। समझ गए? बिपिन चंद्रा का बुक यूजफुल नहीं है सर? बिल्कुल यूजफुल है, देखो यहाँ पे, अरे ये वाली बात कर रहे हैं क्या, ये बहुत मोटी है, तुम सोचो ये किताब कितनी मोटी है। ये किताब बहुत ही अच्छी है, मगर ये मेनली एकेडमिक्स के लिए लिखा गया है, ये मेनली एकेडमिक्स के लिए लिखा गया है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हो सकती है ये, मगर हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है ना, तो हमको ऐसा किताब पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल हो, सिविल सेवा के लिए, तो उसके लिए ये किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लासी टू पार्टीशन वाला। मैंने इसलिए दोनों पढ़ रखी है। अरे पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा जी कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। आपको नहीं पढ़ना है दोनों, आपको बस यही पढ़ना है। ठीक है, हाँ ये दोनों किताब हिंदी में भी है, ये दोनों किताबें आपकी हिंदी में भी है। अरे मैं किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तुमको लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लेना, बोलना मत कुछ कि हाँ सर ने कहा था लेने के लिए, मैंने पढ़ा था, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है,
क्या आंसर है इसका? दोनों आपका जो है वो गलत है। पहली बात, ये नागालैंड में है, ये नागालैंड में है। दूसरी बात, ये ब्रीडिंग साइट नहीं है, ये रूस्टिंग साइट है। रूस्टिंग साइट है। रूस्टिंग का मतलब ये होता है कि यहां पर वो प्रजनन करने के लिए नहीं रुकते हैं, यहां पर वो केवल आराम करने के लिए रुकते हैं। क्या करने के लिए रुकते हैं? आराम। क्लियर है? ठीक है ना? तो यहां पर आपका दोनों बातें गलत है। आपका डी, मतलब आपका नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। आपका दोनों बातें यहां पर गलत हो गई। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है। अगला सवाल है, इनमें से ये बताओ, टेलीस्कोप का इफेक्टिवनेस, टेलीस्कोप का काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा कब? जब इसको तिब्बत जैसे ऊंचे जगह पर रख दें, अगर इसको किसी मरुस्थल में रख दें काफी ऊंचे जगह पर, क्या जब इसको एटमॉस्फेयर से बाहर रख दें, जब इसको पोलर रीजन में रख दें? क्या आंसर है जी? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही है, ध्यान से बताइएगा। ठीक है, क्या आंसर है जी? आप लोग सभी 7 बजे आया कीजिए, सभी लोग 7 बजे सुबह में आया कीजिए। हम लोग बस आधे घंटा पढ़ेंगे, मगर आधे घंटे में आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपको मजा आएगा। केवल आधे घंटे में 30 मिनट, 35 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट, इतनी देर में आपको इतने टॉपिक कवर करा देंगे कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। टेलीस्कोप में क्या होता है? टेलीस्कोप में दूर प्रदेश से रोशनी आती है। आपका जो टेलीस्कोप है, इसमें आपका जो रोशनी आता है इधर से, तभी ना लाइट आता है, तभी हम देख पाते हैं। लाइट अगर अनडिस्टर्ब्ड हो, लाइट अगर अनडिस्टर्ब्ड हो तो बहुत ही अच्छा। लाइट अगर अनडिस्टर्ब तो बहुत अच्छा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए जाकर के जो आपका वातावरण है, आपका जो हमारा वायुमंडल, इसके बाहर रखा हो। हमारा जो हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप है, कहाँ रखा हुआ है? बिल्कुल एन प्रवीण जी, सही है। हबल टेलीस्कोप कहाँ रखा हुआ है? सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देख बता दो ना। क्लियर है? आपका सी हो गया आंसर, एबव द अर्थ एटमॉस्फेयर। अगला सवाल है, तक्कावी। तक्कावी का मतलब क्या होता है? मध्यकालीन भारत में जो तक्कावी है, इसका मतलब क्या होता है? भू राजस्व, कृषि पर कर, मिलिट्री कमांडर, कृषि लोन। ठीक है, यार तुम्हारा ध्यान बात करने पे कि तुम्हारा ध्यान पढ़ने पे है? जब क्लास में रहो ना, जब मैं सवाल दे रहा हूं तो बात मत किया कीजिए एक दूसरे से, चैट मत किया कीजिए। क्लास के अंतिम में बोलना, मैं रुक जाऊंगा, मन भर बातें करेंगे। क्लास का अंतिम में आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ते टाइम पढ़ लो, पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई, बात के टाइम केवल बात। ठीक है, क्या आंसर है जी? बिल्कुल सही। मध्यकालीन भारत में जो टक्कावी है वो एक कृषि लोन हुआ करता था। टक्कावी एक कृषि लोन हुआ करता था। क्या था सर? टक्कावी एक TAKKAVI, टक्कावी एक कृषि लोन हुआ करता था। समझ गए? तुगलक के समय में यह था, ये तुगलक के समय में था, ये आपका समय क्या था? तुगलक के समय था। तक्कावी यूपीएससी।
देखो, तकाबी जो था वो एक शॉर्ट टर्म लोन था, कम समय के लिए लोन था, जो किसानों को मिलता था ताकि वो बीज खरीद पाएं, जो फर्टिलाइजर है ये सब खरीद पाएं, समझ गए, ये सब खरीद पाएं अपनी खेती के काम के लिए। क्लियर है? तो ये भी आपका जो एनसीईआरटी से है उससे दिया गया था, ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी से दिया गया था। क्लियर है? चलिए आते हैं वापस। आपका डी है जो सही आंसर है, तमिलनाडु का जो क्लास 11th की हिस्ट्री है ना उसमें भी ये बातें दी गई हैं, पेज नंबर 184 पर, तमिलनाडु का जो क्लास 11th की हिस्ट्री है वहां पर ये सब बातें दी गई हैं। अगला सवाल आपका है ऑक्सफैम के बारे में, अगला सवाल आपका है ऑक्सफैम के बारे में, ध्यान से आपको ये बातें बतानी कौन सा सही है। ऑफिशियल इनिशिएटिव है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, क्या ये एक थिंक टैंक है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, क्या ये एक एनजीओ है जो मानवाधिकार के फील्ड में काम करता है, नन ऑफ द एबव, ये कौन से फील्ड में काम करता है, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, ह्यूमन राइट, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, ह्यूमन राइट, क्या आंसर है जी? 1, 2, 3 में। अरे तो गेस करो ना क्या होगा, गूगल सर्च कर लो। यहां पर आपको जो पहला ऑप्शन है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ऑक्सफैम जो है वो गरीबी उन्मूलन के लिए काम तो करता है, उन्मूलन के लिए काम तो करता है, मगर वो ऑक्सफोर्ड का नहीं है। अगर ये कहता कि केवल गरीबी के लिए काम करता तो सही होता, मगर ये जो संस्था है ये एक इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन है, मतलब कि अलग अलग संस्थाओं का यह समूह है जो गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है। आपका पहला सही होते होते रह गया, आपका डी है जो सही है, ना शिक्षा ना मानवाधिकार, इसलिए बी और सी आपका गलत था, ए सही होते होते रह गया, बस वहां पर मैंने ऑक्सफोर्ड जोड़ दिया और मैंने वहां पर एक ऑफिशियल जोड़ दिया इसी कारण से, समझ गए, कोई बात नहीं, अब सीख गए ना। अब बात याद है ना कि ऑक्सफैम क्या है, ऑक्सफैम क्या है आप समझ गए ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल है मैरीन फूड चेन के बारे में, मैरीन फूड चेन के बारे में, इनमें से कौन सा है जो सबसे ऊपर बैठता है, पता है ना फूड चेन में ऊपर कौन बैठता है, फूड चेन में ऊपर होता है जो सबको खा सकता है, समझ गए, जो सबको खा सकता है जब सबको, ठीक है ना, देख के लगता नहीं है मगर ये सारे के सारे, पेंगुइन भी टॉप में आते हैं, डॉल्फिन भी टॉप में आते हैं, शार्क तो खैर आता ही है, तो मेरा 1, 4, 5, 1, 4, 5 तो है ही, इसीलिए आप सी मार सकते थे, मगर नहीं, पेलिकन और टूना तक के आते हैं, पेलिकन और टूना तक के आते हैं। आंसर आपका हो गया डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। ये लार्ज प्रीडेटर हैं जो मैरीन फूड चेन के सबसे ऊपर में बैठते हैं, कुछ होते हैं पंखों वाले जैसे कि शार्क है, ट्यूना है, डॉल्फिन है ना, कुछ है फिदर मतलब ये सूखे पंखों वाले, पेंगुइन वगैरह, ठीक है, बढ़िया। ये बताना अगला सवाल है इनमें से कौन सा है, तो यहां पर पूछ रहा था पक्षी, यहां पक्षी पूछ रहा है क्या, नहीं यहां पूछ रहा है कि कौन सा एनिमल, कौन सा स्पीसीज है आपका, इनमें से कौन सा है जो 8 कोर इंडस्ट्री में से नहीं है, जो हमारा 8 कोर इंडस्ट्री है उसमें से कौन सा है जो नहीं है, बताना ध्यान से, जल्दी से बताना जल्दी।
कौन सा बताइएगा सही है? कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं सर. नहीं, सीमेंट रिफाइनरी प्राकृतिक इलेक्ट्रॉनिक्स. क्या आंसर है जी? ऑब्वियस सी बात है, आपका जो कोर इंडस्ट्री है उसमें होता क्या है? कोर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाता है जो हमारी इकोनॉमी के कोर में होता है, जो दूसरे सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. समझ गए? सीमेंट एक रॉ मटेरियल है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, विनिर्माण सेक्टर का, है ना. रिफाइनरी उत्पाद मतलब कि पेट्रोलियम, डीजल, ये आपका सेवा का एक महत्वपूर्ण इनपुट है. अगर डीजल पेट्रोल रहेगा तब ना ट्रांसपोर्ट चलेगा. प्राकृतिक गैस, इससे बिजली बनता है, खाना बनता है, बहुत सारे काम होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं ना, ये कंज्यूमर हैं आपके, ये कोर में नहीं आएगा. कोर में आपका सीमेंट, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके कोर में नहीं आएगा. समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक्स आपके कोर में नहीं आएगा, है ना. क्लियर है? बिल्कुल. बिजली है, अरे बिजली है, बिजली बिजली आपके कोर में है, क्योंकि बिजली नहीं रहेगी तो कौन सा कारखाना चलेगा. बिजली जो है वो कोर है आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कोर नहीं है. समझ गए? तो देखो ध्यान से, यहां पर कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, बिजली बिजली बिजली, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, ये आठों के आठों आपके आते हैं एट कोर इंडस्ट्री में. समझ गए? ये आपके आते हैं एट कोर इंडस्ट्री में. चलिए अगला सवाल है, आपको दिया गया है लिस्ट वन और लिस्ट टू. ध्यान से बताइएगा इसमें से कौन सी बातें जो है वो सही हैं. ठीक है, बढ़िया. क्या आंसर है जी? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, इनकी संस्थाएं हैं तत्वबोधनी. तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज. ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा आंसर है. ठीक है, है ना. आपका पहला जो सही है, राजा राम मोहन राय जी का, है ना, आत्मीय सभा. जो आत्मीय सभा है किनका है? राजा रवीश कुमार, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी का है आत्मीय सभा. क्या है सर? आत्मीय सभा. देवेंद्रनाथ टैगोर का है देवेंद्र नाथ टैगोर का है तत्व बोधनी सभा. क्या है सर? तत्व बोधनी सभा. क्लियर है? तो ए मैच कर गया टू से, बी मैच कर गया वन से. विवेकानंद का सर क्या था? इनका था रामकृष्ण मिशन. सी का मैच करना है तीन से, तो हो ही गया, सी आपका सही है, है ना. आत्मारंग पांडुरंग इनका था प्रार्थना समाज. तो आपका सी का तीन, डी का चार, आपका ए आंसर आ गया. वैसे भी आपको केवल सी और डी ही मैच करना था, सी मैच करना था केवल. एक्चुअली अगर केवल आप सी मैच कर देते, वैसे भी रामकृष्ण परमहंस के काफी
वो थे, करीब थे विवेकानंद जी, उनके गुरु थे, तो इसी कारण से आपका यहाँ पर सही है कि नहीं है? ठीक है, बढ़िया। रवीश कुमार जो हैं ये पत्रकार अभी है, देखा है। तो यहां पर अगला सवाल आपका है क्रांति के बारे में, ध्यान सुनना। YouTube पर सर्च करना रिवोल्ट ऑफ 1857 सुमंत सर। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये वीडियो पब्लिश किया है, ये आप देख सकते हैं। जो क्रांति है 57 की, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कुछ दिन पहले ही, तो आप बस ये सर्च करना, आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो। ठीक है, गांधार कला कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, बस अंतिम में सुमंत लगा देना, सर्च करना यूट्यूब पर, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या ये स्प्रेड हुआ था सभी मेजर सेंटर जो कि नॉर्थ में थे वहां? दूसरा, इस सवाल पूरा नहीं है। द ब्रिटिश वेयर थ्रेस्ड बाय द रिवेल्स, यहां पर ये लाइन पूरा नहीं है, इसको इग्नोर करो, इसको सवाल में ठीक कर दूंगा, फिर देखना इसको, जाने दो। साउथ इंडिया, ध्यान से सुनना एक बात, साउथ इंडिया जो था ना वो रिवोल्ट में बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया था, ये रिवोल्ट आपका कंसंट्रेटेड रहा था। ठीक है, चलिए अगला आपका सवाल है, ये इग्नोर करना है वाला, ये आपका पूरा नहीं है वाला सवाल, ठीक है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। अगला आपका सवाल है वेसार के बारे में। टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं दो तरह के, पहला होता है नागर, दूसरा है द्रविड़। दो ही है ना, एक आपका है नागर, एक आपका है द्रविड़। दोनों के मिलने से क्या बना है? वेसार। क्या बना है सर? वेसार। बिल्कुल, पश्चिमी भारत भाग नहीं लिया था, फिर ये साउदर्न नहीं लिया था उतना, क्योंकि इन इलाकों में पहले ही जो आपके विद्रोह हो गए थे उनको बहुत ही कड़ाई से शांत किया गया था, तो ब्रिटिश का उनमें थोड़ा सा ज्यादा डर था, भय था। वेसार कला के बारे में सवाल है कि वेसार कला को किन्होंने डेवलप किया था? गंगा वंश के शासक ने, चालुक्य वंश ने, पल्लव वंश ने, चोल वंश ने? गंगा वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश या चोल वंश, किन्होंने वेसार कला को डेवलप किया था? ठीक है, चलो सर्च कर थोड़ा इसको देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। वेसार स्टाइल डेवलप्ड बाय LOPED डेवलप्ड बाय चालुक्य। चालुक्यों ने जो आपका वेसार है इसको शुरू किया था, ये जो स्टाइल है इसको शुरू किया गया था चालुक्य के द्वारा। सर आप बार बार सर्च काहे कर रहे हैं ऐसे ऐसे? हमने सर्च किया था पहली बार जो आपका अलाई दरवाजा था, वो वाला सवाल याद है, हमने सर्च किया था अलाई दरवाजा के बारे में, हमने समझा था कि वो बना होता है रेड सैंडस्टोन का। फिर हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया, दोनों में सर्च किया था। अब आ रहे आते हैं सर, बताने का मतलब ये है आपको कोई भी सवाल नहीं आए, आपको कुछ पूछना हो तो आप सिंपल सा आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको एकदम शुरू में ही मिल जाएगा आंसर। समझ गए? आपको एकदम शुरू में आंसर मिल जाएगा। जो बादामी के चालुक्य थे उन्होंने डेवलप किया था वेसार कला को, जो एक मिक्सचर था नागर स्टाइल और जो द्रविड़ स्टाइल है ना उनका। ठीक है, यहां पर शिखरा भी इस्तेमाल करते हैं और विमान भी इस्तेमाल करते हैं। ध्यान सुनना, जो नागर कला है उसमें जो उठता है ना ऊपर, उसको हम कहते हैं शिखर। क्या बोलते हैं उसको? देखो ये मंदिर है, इसको पर यूं उठ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? शिखर। नागर में इसको हम कहते हैं शिखर, ऊपर में फिर एक कलश होगा, है ना। मगर साउथ इंडिया में जो द्रविड़ है उसमें ये कर्व नहीं करता, ये आपका सीधे यूं जाता है, इसको बोलते हैं विमान। क्या बोलते हैं सर? विमान बोलते हैं इसको। ठीक है,
है ना। चलिए क्या आंसर हो गया जी आपका, चालुक्य जो है वो सही आंसर है, बी आपका सही है, पेज नंबर 34 ये सवाल दिया गया है। अगला आपका सवाल है राष्ट्रकूट वंश के बारे में, मगर इसको हम डिस्कस करेंगे कल। हम लोग कल दोपहर में फिर से मिलेंगे 12 बजे, कल दोपहर हम लोग फिर मिलेंगे 12 बजे और धुआंधार सवाल करेंगे एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे में, क्लियर है। मगर आज रात को 9 बजे भी क्लास है आपकी, जहां हम पढ़ाएंगे आपको आपके जो कौन सा सवाल मैंने दिया था, मैंने सवाल दिया था आपको जो टारगेट है 20 तारीख का, सवाल आपको मैंने दिया था आज ये वाला। हाँ मैंने सवाल दिया था आपको आज ये वाला कि अपनी कमियों के बावजूद जो राष्ट्रवादी चरण है, अपनी कमियों के बावजूद जो आपका राष्ट्रवादी चरण है, इसके दौरान किसान आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान दिया, ये योगदान क्या था। मतलब कि जो आपका पीजेंट, आपका जो पीजेंट मूवमेंट है, इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, आपको यह बताना है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके ग्रुप में सबमिट कीजिएगा, ग्रुप में सबमिट करना, हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। टेलीग्राम ओपन करना, एड सुमन सर्च करना, वहां पर अपना आंसर सर्च, वहां पर अपना आंसर सबमिट करना, रात को 9 बजे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये सवाल को लिखिएगा और ध्यान से इसको पढ़ करके लिखना, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा आपको, स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएगा इसका टॉपिक। हम लोग मिलते हैं अब रात के 9 बजे और फिर कल दोपहर 12 बजे, ठीक है दोस्तों, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। सभी लोग लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और हमने आपके लिए जो कोर्स लॉन्च किया है वो कोर्स आपके करंट अफेयर का है, वहाँ पर हम लोग पूरा जो आपका डिस्कशन है वो करते हैं करंट अफेयर का, एक भी टॉपिक नहीं छूटता, और पूरा आपका प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होती है ना, जो आपकी होती है इंटीग्रेटेड। अगर आप किसी दोस्त को ज्वाइन करना है, उन्हें कह सकते हैं आप कि वो जो SN लाइव रेफरल कोड है उसको इस्तेमाल करें, आप दोनों को इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। जो ज्वाइन करेंगे और जो उनके मित्र होंगे उनको भी दोनों को यहाँ पर ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बस कोड याद करना, SN लाइव इज द रेफरल कोड, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।